अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन आर एसोसिएटेड। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, ऑपरेशंस हमारे पास, ऑपरेशन को हम स्टेरिक से डिनोट करते हैं। अब स्टैरिक से मराद यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे कि एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो, कंपोजिशन का हो। इस तरह हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है? बाइनरी ऑपरेशन का यह मतलब है कि अगर आप लोगों के पास एक सेट है और आप लोग इसी सेट के कोई से दो एलिमेंट उठाएं, ठीक है, ए और बी कोई से दो एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप ए स्टैरिक यानी कि स्टैरिक कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इन दोनों पे, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो भी इसी जी से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि अगर वो सी आता है और सी बिलोंग करना चाहिए जी में। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है एसोसिएटिव फॉर्म में। ठीक है, इसका पार्ट नंबर वन है द ऑपरेशन स्टैरिक ऑन जी डिफाइंड बाय, जो Z के ऊपर ऑपरेशन डिफाइंड हुआ है वो ये वाला है, ए स्टैरिक बी किसके इक्वल है, ए माइनस बी के। अब हमने इसको प्रूव क्या करना है कि यह एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है या नहीं ये वाला ऑपरेशन, तो हम देखते हैं। हमें पता है एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं, ए स्टैरिक बी ब्रैकेट स्टैरिक सी और ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी, ये किसके इक्वल आएगा? हमें जैसा कि पता है ए स्टैरिक बी किसके इक्वल है, ए माइनस बी के, और साथ स्टैरिक सी एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए थी तो ये ए आ गया। स्टैरिक क्या है हमारे पास, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, नेगेटिव, बी एज इट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वही चीज़ बनानी है, ये हमारे पास ए होगा और ये स्टैरिक हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है और ये हमारे पास क्या है, बी। अब इसी को इसमें पुट कर दें, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी पुट कर दें, स्टैरिक की जगह पे ये नेगेटिव ऑपरेशन आ जाएगा, ये आ गया, और सी किस में पुट करना है, बी में, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए के, स्टैरिक सी। एक्चुअली सबसे पहले हमने ये फॉर्म बनानी है, जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्म बन गई है, ये सारी टर्म ए है स्टैरिक और ये वाली बी टर्म बन गई। ठीक है, हमने ये वाली टर्म बना ली है, अब इसमें इसको इसके इक्वल लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, इसमें ये चीज़ पुट कर देंगे, ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी ए माइनस बी, और स्टैरिक हमारे पास ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, माइनस वाला नेगेटिव ऑपरेशन है, और सी पुट कर देंगे, ये सी हमने किसे कहा, बी को, और ये इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी, ए एज इट स्टैरिक एज इट बी माइनस सी। जैसा कि हमने देखा ए स्टैरिक बी किसके इक्वल है, ए माइनस बी के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, बी स्टैरिक सी किस तरह है, बी माइनस सी के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली थी, तो अगर यहाँ पे ये टर्म्स चेंज हो रही हैं तो फिर ये वाला बी माइनस सी हो जाएगा। आप देखें ए स्टैरिक बी माइनस सी, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, ये वाली टर्म बनानी है, ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी ए, और ये वाली क्या हो जाएगी सारी बी। अब इन टर्म्स को यहाँ पुट कर दें, ए ए की जगह पुट हो जाएगा, स्टैरिक की जगह ये नेगेटिव ऑपरेशन आ जाएगा, और बी माइनस सी बी की जगह पे पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा ए माइनस बी प्लस का सी। ठीक है, अब हमने देखा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई है। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, तो हमने कह दिया दिस ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन ये हमारे पास बी पार्ट है,
ऑपरेशन स्टेरिक ऑन आर डिफाइंड बाय ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये खुद से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं बी स्टेरिक सी किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ए के बाद बी आया ना, अब हमने इसका एक वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट आगे इंक्रीज़ कर दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्टेरिक सी। ठीक है, अगर बी स्टेरिक सी लिख रहे हैं तो ए के बाद क्या आएगा, बी, वो लिख देंगे। और यहाँ पे अगर बी है तो बी के बाद क्या आएगा, सी प्लस ए के बाद बी और बी के बाद सी। तो ये ऑपरेशन भी इस तरह डिफाइन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करवाना है कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है ये ऑपरेशन या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटिव लॉ हमने लिख लिया ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। ए स्टेरिक बी हमारे पास डिफाइन है, वो मैंने लिख लिया। ए स्टेरिक बी किसके इक्वल था, ए प्लस बी प्लस ए बी, और स्टेरिक सी एज इट। ठीक है, अब बिल्कुल वही चीज़ हमने अप्लाई करनी है जैसे कि हमने ए पार्ट में देखा था। ये टर्म सारी हमारे पास क्या हो जाएगी, ए और ये बी, अंदर ये ऑपरेशन जो है वो इस तरह, यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन है तो हम अंदर एडिशन यूज़ करेंगे। ए को पुट कर दें ए में, बी को पुट कर दें बी में। आपको पता है ए हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, ये सारी टर्म ए की हो गई। उसके बाद क्या है, एडिशन, फिर बी की टर्म, बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी पुट कर दिया, फिर एडिशन ऑपरेशन जो है वो एडिशन है वो हमने लगा दिया। उसके बाद क्या है, ए बी का प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट, तो ये लिख दें ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू बी की वैल्यू भी सी, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया और ये यहाँ पे बी हो गया। देखें यही हमारे पास ऑपरेशन था, हमने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, इस सी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ए स्टेरिक एज इट, बी स्टेरिक सी को मैंने अभी आप लोगों को बताया हमने एक एक अल्फाबेट इंक्रीज किया, तो ये बी स्टेरिक सी स्टेरिक बी प्लस सी प्लस बी सी। जो हमें ऑपरेशन डिफाइंड था वही ऑपरेशन हमने यूज़ किया है, जस्ट इसकी अल्फ़ाबेट्स को चेंज किया है। पहले अल्फ़ाबेट्स ए स्टेरिक बी की फॉर्म में थे, अब हमने बी स्टेरिक सी की फॉर्म में किए हैं। क्यों, क्योंकि हमने एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है और उसमें हमारे पास ए स्टेरिक बी और बी स्टेरिक सी की ज़रूरत थी। ओके, उसी तरह ये हमारे पास ए है अब और ये हमारे पास बी है, उसमें वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास फंक्शन किस तरह डिफाइन था, ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, पहले ए आएगा, ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर स्टेरिक, स्टेरिक हमारे पास क्या है, एडिशन, बी की वैल्यू ये सारी आ जाएगी, बी प्लस सी प्लस बी सी। नेक्स्ट वन प्लस ए बी का प्रोडक्ट, ए एज इट और बी की वैल्यू सारी मैंने पुट कर दी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड की तरह इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो हमने क्या कह दिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमने कह दिया दिस ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी इज एसोसिएटिव। ठीक है, ये ऑपरेशन जो था, जो डिफाइंड ऑपरेशन था, वो क्या है, एसोसिएटिव है। नेक्स्ट वन हमारे पास सी पार्ट है, द ऑपरेशन स्टेरिक ऑन क्यू डिफाइंड बाय, यानी कि जो रैशनल नंबर है उन पे जो ऑपरेशन डिफाइन है वो किस तरह डिफाइंड है, ए स्टेरिक बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी ओवर फाइव के। तो हम लिख सकते हैं बी स्टेरिक सी किसके इक्वल आएगा, बी प्लस सी ओवर फाइव के। ठीक है, ओके, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या प्रूव करना है, क्या इस ऑपरेशन जो अंडर क्यू सेट के अंदर ये ऑपरेशन डिफाइन है, क्या वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है या नहीं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हमने लिख लिया, हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्टेरिक बी की जगह पे इसकी वैल्यू ए प्लस बी ओवर फाइव स्टेरिक सी। अब ये हमारे पास क्या है, ए, और ये हमारे पास क्या है, बी। तो ऑपरेशन किस तरह डिफाइन है वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ए स्टेरिक बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी ओवर फाइव के। तो यहाँ पे ये ए है,
ए की वैल्यू पुट कर दें, ये बी है, बी की वैल्यू पुट कर दें और ओवर में 5 आ जाएगा। चलिए क्या आएगा यहाँ पे, ए किसके इक्वल है, ए प्लस बी ओवर 5 प्लस बी किसके इक्वल है, सी के ओवर और के नीचे 5। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस 5 सी, ये 5 कैल्शियम ले लिया, अब नीचे ये 5 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड से हमने क्या प्रूव करना है, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, जैसा कि अभी हमने देखा ए स्टेरिक एज इट, बी स्टेरिक सी की वैल्यू हमने क्या देखी है, बी प्लस सी ओवर 5। अब ये हमारे पास फर्स्ट वाला टर्म ए है और सेकंड वाला टर्म बी है, ये वाली वैल्यू फिर से इसी ऑपरेशन में पुट कर दें, ए स्टारिक बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी ओवर 5 के, तो यहाँ पे ये ए की वैल्यू ए में पुट कर दें, बी की वैल्यू बी में पुट कर दें, नीचे 5 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी ओवर 5, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी, ओवर में क्या है 5। अब इनका दोबारा से एलसीएम लेंगे, फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5a प्लस बी प्लस सी ओवर 25। जैसा कि ये देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पे क्या है 5a और वहाँ पे क्या था 5c, तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, क्या कह सकते हैं, नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट वन हमारे पास है सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, द ऑपरेशन स्टेरिक ऑन जी क्रॉस जी डिफाइन बाय, जी क्रॉस जी पे जो ऑपरेशन डिफाइन हुआ है वो इस तरह डिफाइन हुआ है, ए ए बी यानी कि ए ए बी का पेयर स्टेरिक सी डी का पेयर किसके इक्वल है, ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी। आप देखें ये चीज़ इस तरह डिफाइन है, हमने समझना है कि ये किस तरह डिफाइन है, इसकी जो है वो लॉजिक क्या है। अब देखें फर्स्ट टर्म ए था, ए लिख दिया, उसके बाद क्या है बी, बी को उन्होंने क्या लिखा है, बी के बाद सी आता और सी के बाद डी आता, यानी कि एक टर्म एक अल्फाबेट स्किप करके फिर उन्होंने डी लिखा है प्लस, अब उसके बाद सेकेंड टर्म ये वाला टर्म एज इट और इसके बाद वाली टर्म उन्होंने लिख दिया सी। हमने अब यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, चलिए वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूव करना है, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। तो हमारे पास जो फॉर्म गिवन है वो पेयर की फॉर्म में गिवन है, क्योंकि हमने क्या कहा है जेड क्रॉस जेड, जेड जी क्रॉस जी, तो इसमें हमेशा पेयर की फॉर्म में ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, ए स्टेरिक बी की जगह पे हम एक जगह पे क्या लेंगे, ए पेयर बी स्टेरिक बी की जगह पे सी कोमा डी, ये ब्रैकेट आ जाएगी, फिर सी की जगह पे ई एफ का पेयर ले लिया। राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे ए कोमा बी स्टेरिक ब्रैकेट बी की जगह पे सी कोमा डी स्टेरिक सी की जगह पे ई कोमा एफ, ये आप लोगों ने एक पेयर खुद से इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि हम एसोसिएटिव लॉ में एक नंबर खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यहाँ पे हमने वो एक पेयर इंट्रोड्यूस करवाया है ई एफ वाला, पहले हमने इन दोनों के अराउंड ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद हमने इन दोनों के अराउंड ब्रैकेट लगा दी, जैसे हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कोमा बी स्टेरिक सी कोमा डी इसकी ब्रैकेट स्टेरिक ई कोमा एफ, ए कोमा बी स्टेरिक सी कोमा डी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये देखें ए कोमा बी स्टेरिक सी कोमा डी हमें क्वेश्चन में डी गिवन है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाली वैल्यू ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी स्टेरिक ई एफ साथ में एडिट आ जाएगा। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे फिर देखते थे कि ए हम किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे और सी किसको कहेंगे, यहाँ पे भी वही सीन है, फर्स्ट कोमे से पहले वाली सारी टर्म हमारे पास ए होगी, कोमे के बाद वाली बी होगी स्टेरिक, उसके बाद ये वाली टर्म सी होगी, कोमे के बाद एफ जो टर्म है इसको हम डी का नेम दे देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन पता है आप लोगों को किस तरह डिफाइन था, ए कोमा बी स्टेरिक सी कोमा डी, इस तरह ये सारा ऑपरेशन डिफाइन था। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ इस ऑपरेशन में पुट करनी है, ऑपरेशन क्या था,
ए डी प्लस बी सी कॉमा बी और डी। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें। ए की वैल्यू क्या है, ए डी प्लस बी सी मैंने पुट कर दी, उसके बाद डी है, डी किसके इक्वल है एफ के, एफ पुट कर दिया, फिर प्लस अब बी की वैल्यू पुट करनी है, बी किसके इक्वल है बी डी के, ये पुट कर दिया, उसके बाद क्या है सी, सी किसके इक्वल है ई के, उसके बाद कोमा आएगा कोमा लगा दिया, उसके बाद बी की वैल्यू पुट करनी है, बी किसके इक्वल है बी और डी के, पुट कर दिया, उसके बाद डी किसके इक्वल है एफ के, एफ पुट कर दिया। ठीक है, अब इनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड बनानी है, तो उसके लिए जैसा कि हमें पता है हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन था वो ए स्टैरिक ए कोमा बी स्टैरिक सी कोमा डी पे था, हम पहले भी चेंज करते थे अभी भी चेंजिंग करेंगे, अब सी डी सी कोमा डी स्टैरिक ई कोमा एफ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे। चलिए पहले ऊपर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद इसको देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन को रिमूव करती हूँ, सी कोमा डी स्टैरिक ई कोमा एफ, अब इसको डिफाइन करना है इसी को देखते हुए। ठीक है, ए था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एज इट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो सी है तो फर्स्ट टर्म एज इट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन क्या है बी, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद डी आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही डी के बाद ई आएगा और ई के बाद एफ आएगा, यहाँ पे भी एक टर्म स्किप किया और यहाँ पे भी एक टर्म स्किप करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। प्लस अब क्या है, फर्स्ट ये जो इस पेयर की सेकंड टर्म है बी वो एज इट लिखी हुई है, हम भी इस पेयर की जो सेकंड टर्म है डी वो एज इट लिखेंगे। उसके बाद क्या है सी, यानी कि बी के बाद क्या आएगा सी, तो डी के बाद क्या आएगा ई। ओके, उसके बाद है बी और डी, यहां पे देख लें सी से पीछे वाली टर्म क्या आएगी बी, इसी तरह ई से पीछे वाली टर्म क्या आएगी डी, तो यहां पे डी आ जाएगा, और यहां पे डी था तो इन्होंने साथ डी लिख दिया, यहां पे क्या है एफ तो हम भी साथ क्या लिख देंगे एफ। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन हो गया अब हमारा सी कोमा डी स्टैरिक ई कोमा एफ पे। अब ये वाले फंक्शन की हम वैल्यू पुट करेंगे सी कोमा डी स्टैरिक ई कोमा एफ पे। ठीक है, ये देखें सी कोमा डी स्टैरिक ई कोमा एफ ब्रैकेट में था तो इसकी मैंने ये वैल्यू पुट कर दी सी एफ प्लस डी ई कोमा डी एफ। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने इस पे पुट कर दी। अब जैसे हमने पहले किया था, फर्स्ट कोमे वाली टर्म को ए को उसके बाद कोमा, फिर सेकंड वाली को बी, अब ये वाली सी होगी और ये वाली डी होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो ए कोमा बी स्टैरिक सी कोमा डी की फॉर्म में, यानी कि उसमें जो अल्फाबेट यूज़ हो रहे हैं वो ए बी, यहाँ पे बी था, ए बी सी डी की फॉर्म में हो रहे हैं, इसीलिए हमने इनको नेम दे दिए ए बी सी डी। अब हमें जो ऑपरेशन डिफाइन था वो क्या था, हमें पता है ए कोमा बी स्टैरिक सी कोमा डी किसके इक्वल था, ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी के इक्वल था। हमें पता है ए कोमा बी स्टैरिक सी कोमा डी किसके इक्वल था, ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी के इक्वल था। अब हमारे पास ये सारी टर्म्स को मैंने वैल्यू देने के बाद ए बी सी डी की फॉर्म बना दी है, ये सारी वैल्यूज अब हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वन ए आ रहा है, ए किसके इक्वल था ए के, ए पुट कर दिया, उसके बाद क्या है डी, डी किसके इक्वल है डी एफ के, डी एफ पुट कर दिया, दरमियान में क्या है प्लस, ऑपरेशन प्लस यूज कर लिया, उसके बाद क्या है बी, बी हमारे पास किसके इक्वल है बी के, तो बी पुट कर दिया, उसके बाद क्या है सी, सी किसके इक्वल है सी एफ प्लस डी ई, वो पुट कर दी वैल्यू, उसके बाद कोमा आ रहा है, फिर क्या है बी और डी, बी किसके इक्वल है बी, बी बी के इक्वल है तो बी पुट कर दिया, डी किसके इक्वल है डी, डी एफ के इक्वल है डी एफ पुट कर दिया। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस डी बी ई कोमा बी डी एफ। आप लोग देखें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एग्जैक्टली मैच हो रही हैं, तो हमने कह दिया कि जो इस ऑपरेशन जो ये ऑपरेशन है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का ई पार्ट है, द ऑपरेशन स्टैरिक ऑन क्यू में से अगर जीरो को रिमूव कर दें उसके बाद जो सेट बनेगा उस पे जो है वो ऑपरेशन इस तरह डिफाइन है ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू ए ओवर बी।
ठीक है। अब हमें पता है ये ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू है ए ओवर बी की, अगर हम बात करें बी स्टेरिक सी की, हमने क्या किया एक एक टर्म को आगे मूव किया है अल्फ़ाबेट को, तो ये ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू है ए ओवर बी के, तो बी स्टेरिक सी किसके इक्वल आएगा बी ओवर सी के, ए के बाद बी आएगा और बी के बाद सी आएगा, तो एक एक टर्म को मूव किया है हमने। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या है, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। अब हम पहले से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ए स्टेरिक बी हमारे पास डिफाइंड था ए ओवर बी के इक्वल है, और साथ में स्टेरिक, ए स्टेरिक बी डिफाइन है ए ओवर बी के और साथ में स्टेरिक सी एज इट। अब हमें पता है ये हमारे पास फर्स्ट वाला टर्म ए है और ये वाला टर्म बी है, तो इसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे सारी, और बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए किसके इक्वल है ए ओवर बी के, और बी किसके इक्वल था सी के, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा ए ओवर बी सी के, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी, ए स्टैरिक एज इट, अब बी स्टैरिक सी भी अभी हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो किसके इक्वल था बी ओवर सी के, फर्स्ट वाला टर्म हमारे पास ए है, सेकंड वाला टर्म हमारे पास बी है, फंक्शन किस तरह डिफाइन था ए स्टैरिक बी किसके इक्वल था ए ओवर बी के, एक जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी ओवर बी की जगह पे क्या है बी ओवर सी, ये पुट कर दिया, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये सी ऊपर चला जाएगा ए सी ओवर बी के इक्वल आ जाएगा, और हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्या है ए ओवर बी सी और ये क्या है ए सी ओवर बी, तो एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता। ओके गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।